वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। हम लोग आए हुए हैं कार मॉड रानीबाग। आज फिर से आप लोगों का कैट्स एंड डॉग वाली जो बारिश होती है वो पूरी यहाँ पर चल रही है। बहुत तेज नहीं है लेकिन अगेन हमारे पास जो है आज एक पूरा दिन चल रहा है। तो आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है हमारी न्यू बलिनो है ना भाई? ठीक है, तो जिन भाई की गाड़ी एक बार सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम है। शुभम भाई कहाँ से आए आप? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। बस यूट्यूब पे वीडियो देखा था भैया की शॉप का, तो यही फर्स्ट वीडियो था तो यहीं पे आ गया। चलिए, काम अभी तक ठीक हो रहा है? हाँ, अभी सब एक्सीलेंट तरीके से काम चल रहा है। तो भाई भैया के लिए क्या, भैया की क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या ऐसे रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो? OEM लगा रहे हो, आफ्टर मार्केट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो भैया? कुछ चीज़ें तो इसमें OEM हुआ, कुछ आफ्टर मार्केट हुआ। जैसे क्या लगा रहे हो भाई OEM में, थोड़ा बताओ लोगों को। OEM में सारा जैसे आपका ग्रिल हो गया, ठीक है, आपका साइड फिटिंग्स हो गई, ठीक है, फिनिश हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका पार्सल ट्रे हो गया, बहुत स्टेयरिंग हो गया, बस बहुत सारी चीज़ें होती है कि OEM डलेगा। जैसे कि आप आमरेस डाल रहे हो, आमरेस भी आपका OEM होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैं आपको दिखाया था, पहले इधर आगे से स्टार्ट करते ना, आ जाओ। सबसे बड़ी बात है अलॉय व्हील्स तक आप भैया ले तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने इनको बताया कि आप हमारे पास होते हैं हमारे पास मिल जाएंगे। और सही रेट में मिलेंगे? बिल्कुल सही रेट। आपने कितने के लगाए थे? मेरा अराउंड 50,000। इससे कम में लगा देंगे? बहुत कम में लगा देंगे। इससे मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, कितने के मैंने इससे कम के लगता है, ठीक है भाई। तो भैया सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई, ये वेरियंट कौन सा है पहले ये बताओ? ये बेलिनो सिग्मा है 2022 मॉडल। ये डेल्टा से नीचे है क्या? बिल्कुल नीचे वाला फर्स्ट ही सिग्मा है, फर्स्ट वेरियंट है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या किया आपने जरा बताइए पहले? फ्रंट ग्रिल हो गया आपका, ठीक है भाई। ये ग्रिल कैसे आती है थोड़ा मेरे को ऐसे समझाओ इसकी। आती है नॉर्मल। हाँ तो ब्लैक ग्रिल लेके आओ पहले, नॉर्मल ग्रिल लेके आओ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसमें बताओ क्या क्या पीस चेंज होते हैं जब हम ग्रिल चेंज करते हैं? पूरी ग्रिल ही चेंज होती है, ठीक है, पीस चेंज होते हैं, पूरा ग्रिल चेंज होता है। तो ये क्रोम क्रोम आता है पहले से? ठीक है, ठीक है, क्रोम के लिए ही हम इसका ग्रिल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ग्रिल लगता है ये क्रोम आ जाएगा, और ब्लैक आता है, फिर ये बोनट रात में, ठीक है भाई। ये बोनेट की गार्निश है, ये OEM वाली बोनेट की गार्निश है आपकी, ठीक है, ठीक है भाई। तो नीचे फॉर्मूले में प्रोजेक्टर लगा है, ठीक है। ये आपका आफ्टर मार्केट है IPH, जिसको आप लोग जानते हो जिस नाम से। हमने बोला कि आफ्टर मार्केट कुछ किए हैं, ठीक है। हेडलैम्प में LED लगाई है, ठीक है, पार्किंग बल्ब चेंज किया, ठीक है, इसके पार्किंग बल्ब भी इन्होंने चेंज किया। अगर किसी को इसमें डेमन आई लगवानी है या इसकी DRL लगवानी है तो वो भी लग जाएगी, बस क्योंकि वो भी काम हम करते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास बहुत सारी राजस्थान से गाड़ी आई हुई है, एक भैया की है और एक आप लोगों ने जो है स्विफ्ट देखेंगे आप आने वाले वक्त में, तो वो भी हमारे पास जो है जयपुर से स्पेशली गाड़ी आई है, वाली गाड़ी है। हमारा ऐसे दिन होता है तो मध्य प्रदेश होता है या राजस्थान होता है या फिर UP वाला बेल्ट होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो मैं यूपी वाला है, कल यूपी की आनी है सारी गाड़ी, कल यूपी की गाड़ी। तो मैं अंदर जाऊं पहले? हाँ, अंदर, ठीक है भाई। एक बार थोड़ा अभी इनकी वर्किंग चल रही है इसके अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा बारिश वाला टाइम है तो थोड़ा सा कंस्ट्रेन वर्किंग चल रहा है इसमें। अगर किसी को आपको सिग्मा मॉडल है, किसी को अगर रियर AC ऑन कराना है तो भी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। आमरेस तो हम इसमें लगा ही रहे हैं, आमरेस लगा के दिखाएंगे अभी वीडियो में, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है, खुला हुआ है ना इसका, देखो भाई सब कुछ खुला हुआ है, ताम जाओ। लगा के दिखाएंगे, गियर नॉब चेंज होगा, स्टीयरिंग चेंज कर दिया, टॉप मॉडल वाली डाल दी, ठीक है। ये टॉप मॉडल वाला, ये भाई अब ऐसे रेटों में आ गया कि आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी, जबरदस्त। ये फ्री वाले रेट में देंगे, फ्री वाले रेट में। हाँ, और एक चीज और भी कर देंगे, अगर सारा काम कराओ तो फ्री भी दे देंगे यार, फ्री भी दे दोगे सारा काम कराओगे तो दे देंगे भाई साहब, वेरी नाइस भाई। ये वाली जो तकनीक है भाई, ये क्योंकि ये बड़ी बढ़िया, आप सारा काम कराओ और आपको स्टीयरिंग फ्री। यूट्यूब पे यही चल रहा है सिर्फ, अच्छा। लोग फ्री के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, लोग काम के पीछे नहीं भाग रहे, लोग फ्री के पीछे भाग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो जैसे कर रहे हैं उस चीज के ऊपर नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोग इनसे पूरी वर्किंग कराते हो तो आपको मिल जाएगा। इसमें इन लोगों ने एंड्रॉइड भी लगाया हुआ है एक, और ये लोग अभी ऑडियो सेटअप भी कर रहे हैं, डैम्पिंग एमपी भी करी होगी, डैम्पिंग हुई है, डबल एयर अंदर बाहर पूरी गाड़ी, प्लस कंपोनेंट फ्रंट में हेलेक्स ऑडियो कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है। चेसी है, कोएक्सल लगा है, अल्फार्ड का एंड्रॉइड लगा है, एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो वाला, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज हमने करी है वो हमने शायद दिखाई भी है पहले वीडियो में और इसमें भी दिखा रहे हैं, जैसे हमने ये हेडलाइट जलाया फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें अपनी पार्किंग जल गई, ठीक है। फॉग लाइट के लिए स्विच इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये स्विच हमने ऑन किया, देखो फॉग लाइट जल गई। अभी अगर तुम्हें पता ना चल रहा है, देखो ये फॉग लाइट बंद है, ये फॉग लाइट ऑन, भाई ये तो एक नंबर का फीचर है, आप लोगों को जरूर जो है मजा आया होगा। साथ ही साथ में आप लोगों को जो है इसमें एमएन लाइट देखने को मिलेगी। ये कौन सी है यार, K3 में कंप्लेंट आ रही है सुनने में, बहुत कंप्लेंट है। मेरे पास तीन सेट है पड़ी है जो खराब, अच्छा, जो फैक्ट्री एक तरीके से समझ जाओ जो वेस्टेज है वो चीज है। तो भाई ये आप लोग देख लो भाई, K3 में कंप्लेंट आ रही है, भाई ने मेरे को बताया है, मैं तो भाई काफी ज्यादा इम्प्रेस था यार उससे, लेकिन बात ही बनी। अभी तुमने मेजर चीज नहीं बताई भाई, फोल्डेबल, ये तो फोल्डेबल है ना अपना ओवर भी, देख लो भाई फोल्डेबल वाला ऑन है। अभी पहले एक बार मेरे को आएगा इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है भाई, दिखाओ इधर भाई, बंद हो गया, ठीक है, ये ऑन हो गया, ये भाई आपका खुल गया। और इसकी पावर और जो स्पीड है वो सब बराबर रहेगी, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या, इनमें गत्ते चेंज होते हैं, क्या होता है इसमें भी कुछ? ये तो वही है अपना जो आता है, ठीक है। इसमें एक बार चेक करा दो लोगों को जरा, फोल्डेबल फिर से, ये देखो भाई आपका फोल्डेबल वर्किंग है,
और यहाँ से अगर आप खोलना चाहो तो इसको आप खोल सकते हो। ठीक है, और क्या कर रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर? इसमें हमने किया फिर ये हो गया, और अपने पीछे बूट लाइट लगाई है। दिखा दो एक बार, दिखा दो, दिखा दो। ठीक है भाई, ये तो भाई मेजर चीज है, ये मैं आप लोगों को जरूर चेकआउट कराता हूँ। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों की बूट लाइट है, इसमें लाइट लगाई नहीं अभी, अभी इनेबल आई गेस नहीं होगा, अभी वो पावरिंग का काम कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा एंड में, ध्यान रखना भाई, ये सब चीजें बतानी है, ये सब चीजें चेक करानी है, देख लो भाई। ठीक है, दिखा देते हैं जैसे डोर वाइजर हो गए इसके। ठीक है, ये ओरिजिनल वाले डोर वाइजर है, हैंडल क्रोम हो गया अपना, ओरिजिनल हैंडल क्रोम फिटिंग हो गई इसकी। ठीक है, ओरिजिनल डोर फिटिंग जो आपको मिल जाएगी। और क्या ओके भाई, यहाँ पर आप लोग पार्सल ट्रे देख लो, ये भी आप लोगों का OEM है, ये बूट लाइट हो गई अपनी जो। ठीक है भाई, ये बूट लाइट है जो आपको अवेलेबल हाँ। इसमें देखने को मिल जाएगी। और इसमें क्या, इसका पुराना कैसा स्टीयरिंग दिखता, दिखाना पुराना स्टीयरिंग कुछ इस तरीके दिखता है। ठीक है भाई, ये पुराना स्टीयरिंग है, ये पुराना आर्मरेस्ट कुछ ऐसा दिखता है, और इसका जो स्टीरियो वाली जगह ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, साइड में दिखते हैं। ठीक है, पीछे से दिखाओ, ये देखो। ठीक है भाई, काले पूरे काले, परफेक्ट है। तो अब ये मोड आपने बढ़िया वाला देख लिया, अब आपने क्या लगाया बताओ जरा इसमें। ठीक है भाई, ये OEM वाली डिक्की गार्निश है, ये आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो भाई आप भाई लोगों से जो है वर्किंग करा सकते हो। सारी चीजें भैया ऑनलाइन, वो आपका OEM जो भी चीज बोलोगे वो मिल जाएगा। एसी वेंट इसका ऑन हो जाएगा, ओरिजिनल चार्जर सॉकेट मिल जाएगा, जो चीजें चाहिए ओरिजिनल चार्जर सॉकेट भी इसका लगाया, जो भी हम दिखा देंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ी देर में दिखाएंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मतलब इसी वीडियो में दिखाएंगे, इसी में दिखाएंगे। तो याद रखना लिस्ट बना के कि दिखाना है एंड में। नहीं नहीं, सारी चीजें दिखाएंगे अभी। चलो भाई परफेक्ट है, आप लोगों से सीधे मिलते हैं फिक्स्ड वाले मोड में। रात के जो है अभी कितने बज रहे, पहले टाइम दिखाओ भाई। टाइम तो बजे वैसे 11:38 रात का ये टाइम है। ठीक है, बाहर अंधेरा भी हो रखा, देख लो तुम्हें लगेगा सुबह दिखा रहे। ठीक है भाई, तो गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों को जो है सबसे पहले हम लोग आउटपुट दिखाते हैं भाई, एक बार जरा हेडलाइट का आउटपुट दिखाइए। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप लोग अपनी न्यू बलिनो के अंदर वर्किंग करवाते हैं तो आप लोगों को क्या सेटअप मिलता है, पहले केवल हेडलाइट ऑन कीजिए, ये केवल हेडलाइट है, हाई लो दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हाई लो का पूरा रिस्पांस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब इसकी फॉग लाइट ऑन कीजिए, ये देखो भाई, अब हेडलाइट बंद कर दो, अब ये फॉग लैम्प का रिस्पांस है, अमेजिंग भाई, देख रहे हो। और यहाँ से आप लोगों को पूरी टक टक आवाज आ रही होगी, अब मैं सामने जा रहा हूँ भाई, दोनों चीजें ऑन करेंगे। ठीक है, मारो भाई डिपर मारो। ठीक है, तो आप लोगों का जो नाइट वाला ड्राइव होगा वो आप लोगों को अब सेफ बन जाता है, आप लोग रात को जो है ड्राइव के लिए आसानी से जा सकते हैं। अभी थोड़ा ऊपर नीचे वाला माहौल है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊपर है, वो थोड़ा नीचे भी है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट चीज़, ये जो आप लोगों का साइड फोल्डेबल मिरर है, ये एक बार आप फिर से रीचेक करवा दीजिए लोगों को। ठीक है, और इसका जो बटन है वो यहाँ से पूरा लुक में आएगा पूरा। ठीक है भाई, परफेक्ट तरीके से आप लोग इसकी वर्किंग जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, मैं अंदर एक बार बैठ जाता हूँ। ठीक है भाई, तो इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आप लोगों को जो मैं दिखा देता हूँ, तो जैसा आप लोगों को भाई ने बोला था कि भाई आप लोगों को स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो ये आप लोगों का ZXI वाला स्टेयरिंग है, जो कि आप लोगों की मारुति की हर गाड़ी में लगता है। ये मारुति का जो टॉप एंड मॉडल में आता ना, वो है क्योंकि टॉप मॉडल में ही क्रूज आता है ओनली। तो ये क्रूज चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं। कई सारे लोग कहते हैं चलता है, लेकिन ये नहीं चलता, नहीं चलता। मारुति में नहीं चलेगा। ये कौन सी लाइट होती है भाई? ये OEM लाइट होती है, बलेनो की जो आती है। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग जो है वैसे अगर नॉर्मल गाड़ियों में देखोगे तो सनग्लास होल्डर इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर एक खाली जगह दी जाती है, इसकी कटिंग करके हम इसको लगाते हैं। यहाँ से इसका मेन ऑपरेटिंग पार होती है, यानी कि इसको अगर आप सेंटर करेंगे या साइड करेंगे तो यहाँ से वर्किंग पूरी हो जाती है। दिस इज अगेन स्नक फिट, द मेन थिंग जो कि हम लोगों ने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया, और आप लोगों को ये चीज़ दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोगों का, मैं पूरा सीट पीछे करता हूँ, देखो ये मैं पूरा पीछे हो गया, और यहाँ से अगर आप लोग देखते हो अब आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ओरिजिनल वाला जो आर्मरेस्ट है वो इसमें इंस्टॉल किया है। अगेन इसके अंदर पूरा जो ओरिजिनल स्पेसिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। भाई एक बार लाइट ऑन करेंगे, थोड़ा फ्लैश एक बार ऑन करके दो मेरे को, लोगों को चेकआउट करा देते हैं इस चीज़ को ना। आप एक बार अपने हाथ में पकड़ के यहाँ देखो भाई। ठीक है गाइस, तो पीछे आप लोगों का जो एसी वेंट वाला चीज है पूरा वर्किंग देखने को मिल जाएगा। तो एसी वेंट इसमें आते थे पहले कि नहीं आते थे? नहीं, एसी वेंट नहीं आते इसमें। ठीक है, वेंट जो आर्मरेस्ट में आता है, अगर किसी को इसको वर्किंग कराना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये अभी वर्किंग है कि नहीं है? नहीं है, वर्किंग नहीं करा है, क्योंकि वो वर्किंग कैसे होते हैं, ये डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, और इधर से फिर वो पूरी जाता होगा, डिप डलती है नीचे पूरी। ठीक है, फिर हो जाता वर्किंग, क्योंकि इसमें ऑटो रियर एसी का ऑन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा होता है। ठीक है, चलो भाई, ये आप लोगों को भाई ने परफेक्ट तरीके से बताया। एमिन लाइट की आप लोगों को जो क्वालिटी, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, कि
क्वालिटी वाली एमएन लाइट के लिए आप लोग ऑप्ट कीजिए, बड़ी मतलब कहते हैं ना स्वीट एंड सिंपल वाला लुक इसमें देखने को मिलेगा। K3 से मेरे काफी अच्छे वो थे कि यार K3 जो है रिस्पॉन्स वाइज अच्छा है और दिन में भी वो जलता है, लेकिन वो दिन में जलता है लेकिन रात में दिक्कत कर रहा है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत कंप्लेंट आ रही है लोगों को, जिसको लगा देता है वो कह रहा है कि बंद रहता है तब भी चलने लग जाता है, बंद रहता है चलने लग जाता है, चलाते हैं तो अर्थिंग ले रहा है, नहीं कलर चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, अपने आप ही कलर चेंज होता रहता है उसको। तो भाई ये चीज आप लोग समझ सकते हो, लेकिन इन्होंने जो है एक नंबर का काम यहाँ पर कर दिया है। आई होप आइडिया वाइज आपको समझ आ गया होगा। इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉइड स्टीरियो लगाया गया है विद एप्पल कारप्ले। रियर कैमरे के बारे में अगर आप लोग बात करते हो, ये AHD कैमरा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ना कभी कभी ये फ्लिकरनेस आती है, कई सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया फ्लिकर क्यों होती है, तो मैं ये आप हाँ ये जो है जितने भी आपके AHD कैमराज होंगे, नॉर्मल जो HD कैमराज होते हैं जो आप लोगों के फॉर एग्जांपल ब्लॉपंग कंपनी के है या फिर XYZ किसी भी कंपनी के है, उनमें ये नहीं आएगा, लेकिन उसमें आप क्या मिस कर जाएंगे वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल विजिबल होगी, नंबर प्लेट में आप इजी से एक एक शब्द जो है पढ़ पाओगे, लेकिन उसके अंदर आपको पढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। कई सारे लोग इससे सोचते हैं कि यार ये तो मेरे को ऐसी चीज दे दी, मैंने इतने पैसे लगा दिए, तो इस बारे में जो है जरूर आप लोग सोचना। लाइटिंग का सेटअप अगर आप इधर से देखना चाहते हो आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों का पूरा परफेक्ट जो हब होता है ना, ये आप लोगों का ये पूरा चेंज होता है, जिससे आप लोगों का फॉग लाइट वाला चीज भी इनेबल हो जाता है। और अगर आप लोग डिपर के बारे में बात करते हैं, परफेक्ट डिपर है, एंड अगेन कार मोड के बाद ही हम लोगों ने ये जाना था कि LED भी जो है वर्केबल आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। पीछे के बारे में हमने सब कुछ बताया था, पीछे के बारे में थोड़ा अंदर का लुक चेंज करा हमने, बाकी जो भी सारा काम किया है वो, ठीक है भाई। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था पीछे की, हम लोगों ने पार्सल ट्रे लगाया, ठीक है। ये कंपनी से ओरिजिनल आता क्या है? नहीं नहीं, आफ्टर मार्केट है, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट इन्होंने गार्निश जो है इस गाड़ी के अंदर में इंस्टॉल किया, हमने ये फेंडर वाला जो इंडिकेटर हटा के किया है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल है, हाँ ये ओरिजिनल हमारा था, नेक्सा ओरिजिनल, ठीक है। ये बेस में जो है एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर आता है, तो जो जैसे हमने इसमें कर दिया ना इंडिकेटर, ये मिरर चेंज किया तो इसमें इंडिकेटर आ गया, ठीक है। किसी कस्टमर को भैया, किसी कस्टमर को बिल्कुल ब्रांड न्यू हेडलाइट भी चाहिए, टॉप मॉडल की, वो भी अवेलेबल है। चलो वो तो हमारे पास सब स्टॉक है। अच्छा भैया ने कितने पैसे स्पेंड किए, कुछ आइडिया? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए, तो भैया से एक बार फीडबैक ले लेते हम लोग। भैया वर्थ था 1,00,000 रुपए लगाना, पहले बताओ आप, क्योंकि राजस्थान से आए, दूर से भी आए आप, तो ये चीज जानना जरूरी है, मतलब जो नीड थी वो सब फुलफिल हो गई। इसमें इन्होंने ऑडियो भी किया आपकी गाड़ी, ऑडियो प्लस क्वालिटी ऑडियो किया, जिसमें कि आपका एंड्रॉइड भी है, बहुत टॉप एंड क्वालिटी का। चलो भाई ठीक है, आप लोगों को आइडिया मिल गया। ये का पहले शुरू से डिमांड था कि मेरे को चीज इसमें अच्छा लगाना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक 4-5 हज़ार वाला एंड्रॉइड नहीं लगवाया इन्होंने, अच्छा लगवाया। स्पीकर जैसे बेसिक आते हैं 5-6 हज़ार वाले, वो चीज लो, स्पीकर अच्छे करवाए, मतलब वही है, जैसे जैसे आप जितना गुड़ डालते जाओगे चीजें मीठी होती जाएगी। चलो भाई ठीक है, आप लोगों को आई होप आइडिया मिल चुका है, सब कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। मारुति की कोई भी गाड़ी है उसका आप लोगों को सॉल्यूशन मिलता है, महिंद्रा की कोई भी गाड़ी उसका सॉल्यूशन मिलता है, जो ग्रैंड विटारा है उसकी भी एक्सेसरीज आ जाएगी, थोड़ी ग्रैंड विटारा की अवेलेबल हो जाएगी, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, वीडियो डालने से पहले आ गई होगी, आ चुकी होगी अवेलेबल, तो मतलब आप सब कुछ रेडी है। और ग्रैंड विटारा भी एक अच्छी चॉइस है, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है बेस मॉडल उठाओ और उसको तैयार कराओ भाई, उसका स्टेयरिंग चेंज कराना है, स्टेयरिंग हो जाएगा चेंज, जिसमें कॉलिंग वाला नहीं आता, ठीक है, सिस्टम हो गया अपना, सब कुछ हो जाएगा, जो भी कराना सब हो जाएगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये सारा काम हुआ है कार मोड के अंदर। पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसकी वीडियो आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगी, ये वीडियो तो इसी मंथ में आ जाएगी, तो अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर के अंदर भैया की वीडियो जो है आपको गाड़ी की देखने को मिलेगी। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोगों को बताइएगा। भैया थम्स अप करते हैं काम को, चलो बहुत अच्छी बात है, भैया ने थम्स अप किया। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, उत्तराखंड से और हिमाचल से हम लोगों को बहुत अंधा प्यार मिल रहा है, दिल्ली वाले जो हम लोगों को हमेशा प्यार देते हैं, ये बाहर से हमें बहुत अंधा प्यार मिल रहा है। कल यूपी का दिन है, आज राजस्थान का दिन था, कल यूपी का दिन है, चलिए भाई बहुत अच्छा। तो भाई आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भाई लोगों के स्टोर में आना चाहते हैं तो गूगल में आप लिख सकते हैं कार मॉड, आप लोगों को स्टोर देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस सब कुछ अवेलेबल है। जितने भी अपने मैकेनिक है वो कोई ठेके वाले नहीं है कि आज अभी काम कर रहे हैं फिर किसी और की दुकान में चले जाएंगे। स्पेशल रिक्वेस्ट है, कार मोड रानीबाग नहीं, करोल बाग नहीं, तो बाग बाग में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कार मोड रानीबाग, ठीक है भाई, कई बार करोल बाग लिख लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मिल जाएंगे जहां से ढूंढोगे, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा, फेसबुक मुसाफिर कास्ट, आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।